प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी अपडेट यहां पे जारी की गई है। वैसे किसान जो अपना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है उसको यहां पे बंद करवाना चाहते हैं, वो जो है ऑनलाइन घर बैठे ही अपना जो यहां पे आवेदन है उसको यहां पे रद्द करवा सकते हैं, अपना जो यहां पे लाभ है उसको बंद करवा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे ITR फाइल करते हैं या फिर जो है इस योजना के लाभार्थी होने लायक नहीं है, यानी कि उनकी जो योग्यता है वो यहाँ पे नहीं आती है, फिर भी उनको जहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। तो सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट यहाँ पे जारी की गई है कि आप लोग का जो पैसा मिल चुका है वो पैसा आप लोग को वापस नहीं करना है, बिना पैसा वापस किए ही आप लोग अपना जो आवेदन है उसको रद्द करवा सकते हैं, अपना जो यहाँ पे लाभ है उसको बंद करवा सकते हैं। इसके लिए आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से जो है आप लोग का नोटिस जारी किया गया, नोटिस में पूरा आप लोग का प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से आप अपना योजना का जो लाभ है उसको यहाँ पे बंद कर पाइएगा। तो मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप पीएम किसान का लाभ बंद करना चाहते हैं तो बिना पैसा वापस किए, यानी कि मान लीजिए आपको 4 किस्त मिला है, 5 किस्त मिला है या फिर कितना भी किस्त आप लोग को मिल गया है, तो जो भी किस्त आप लोग को मिला वो पैसा आप लोग को यहाँ पे वापस नहीं करना है, सिर्फ आप लोग का जो आवेदन है उसको आप लोग को यहाँ पे बंद करवाना है। किस तरीके से बंद होगा वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनसे रेड कलर सब्सक्राइब दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना उसके सकते ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, ऐसे में अगर आप जो है अयोग्य हैं तो आप जो है जल्दी से जल्दी अपना यहाँ पे बंद करवा लीजिए, क्योंकि बाद में अगर यहाँ पे जो सरकार की तरफ से लिस्ट में आप लोग का नाम आता है तो आप लोग को यहाँ पे परेशानी हो जाएगा और आप लोग का जो आवेदन है वो तो रद्द होगा ही, साथ में आप लोग का जो पैसा है उसका भी रिकवरी आप लोग का हो जाएगा। तो अगर आप अयोग्य हैं खुद से आप जो आवेदन करके बंद करवा लीजिए, जिससे कि आप लोग का जो पैसा है वो आप लोग यहां पे वापस नहीं करना होगा। मान लीजिए आप कोई नौकरी कर रहे हैं फिर भी आप यहां पे जो है इस योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर पति पत्नी दोनों यहां पे लाभ ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो है आप लोग यहां पे बंद करवा लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आप लोग का परेशानी यहां पे होने वाला है। अब बंद करवाने के लिए जो यहां पे नोटिस जारी किया गया वो नोटिस मैं आप लोग को दिखाता हूं। तो यहां पे आपको करना क्या है, आपको जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है बिहार का, इस पे आना है। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहां पे जो है आप लोग का महत्वपूर्ण लिंक दिया गया है। अब यहां पे देखिए कि एक जो है आप लोग का PDF जारी किया गया है पीएम किसान योजना में नाम वापस लेने के लिए। तो यहां पे आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके से आप लोग का PDF यानी कि जो नोटिस है वो यहां पे ओपन हो जाएगा। ये जो PDF है वो आप लोग का 7 फरवरी को यहां पे जारी किया गया है, 7 फरवरी को ये जो है फैसला आप लोग का लिया गया है। नीचे आप कीजिएगा तो यहां पे जो है बहुत सारा आप लोग का जानकारी दिया गया, आप देख पाओगे SOP फॉर पीएम किसान बेनिफिट सरेंडर। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे बताया गया है कि किस तरीके से आप लोग यहां पे बंद करवाना है, पूरा आप लोग यहां पे जानकारी दिया गया है। अब यहां पे देख लीजिए दोस्तों आप लोग का जानकारी दिया गया है, तो कि इट मे बी नोटेड दैट द यूजर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिफंड एनी प्रीवियस इंस्टॉलमेंट पेड टू द यूजर अंडर दिस स्कीम। यानी दोस्तों यहां पे क्या है कि आप लोग का साफ साफ जानकारी दे दिया है कि जो भी यूजर है, जो भी यहां पे पीएम किसान के लाभार्थी हैं, वो अगर इसका यहां पे उपयोग करते हैं, जो आप लोग यहां पे पीएम किसान के लिए जो सरेंडर कर रहे हैं वो अगर इसका उपयोग करते हैं, तो यहां पे साफ साफ बताया गया है कि उनका जो यहां पे पैसा है वो यहां पे रिफंड नहीं करना होगा, कोई भी प्रीवियस जो आप लोग का इंस्टॉलमेंट मिला है वो आप लोग यहां पे वापस करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग का साफ साफ यहां पे जानकारी दे दिया गया है कि पैसा आप लोग को वापस नहीं करना है, कितना भी किस्त आप लोग को मिला है वो आप लोग यहां पे वापस नहीं करना है। तो इस तरीके से आप लोग का जानकारी दिया गया, नीचे आप लोग को बताया गया किस तरीके से आप लोग यहां पे बंद करना है। तो पूरा प्रोसेस आप लोग का स्टेप बाय स्टेप यहां पे बताया गया कि ए मॉड्यूल बाय द नेम सरेंडर पीएम किसान बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड ऑन पीएम किसान पब्लिक पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। यानी दोस्तों यहां पे क्या है कि आप लोग का एक सरेंडर पीएम किसान बेनिफिट करके एक लिंक आप लोग का आएगा, जो पीएम किसान का वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आप लोग को नीचे जो है यहां पे एक जो है सरेंडर पीएम किसान बेनिफिट का एक ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे आप लोग को यहां पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले इस ऑप्शन के लिए जो है आप लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले यहां पे बताएगा कि द यूजर विल बी गिवन द ऑप्शन टू सर्च हिज हर रिकॉर्ड थ्रू आधार नंबर और पीएम किसान रजिस्ट्रेशन ID। यानी दोस्तों यहां पे क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को अपना जो डिटेल है उसको यहां पे सर्च करना है, अपना रिकॉर्ड यहां पे सर्च करना है। रिकॉर्ड सर्च करने के बाद अगर आप इलिजिबल नहीं रहते हैं, इन इलिजिबल आप लोग का अगर शो करता है, तो ऐसे में आप लोग को एक ऑप्शन दिया जाएगा सरेंडर पीएम किसान बेनिफिट, उस पर आप लोग को जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप लोग यहां पे जो शो करता है इफ एन इनवैलिड आधार नंबर और पीएम किसान रजिस्ट्रेशन आईडी, अगर कुछ ऐसा आप लोग का शो करता है तो इसका मतलब है कि आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने दिया है या फिर आप लोगों ने जो आधार नंबर दिया जिससे आप यहां पे सर्च कर रहे हैं वो जो यहां पे आप लोग का पीएम किसान में रजिस्टर नहीं है, आप लोग को सही यहां पे डालना होगा। उसके बाद अगर आप लोग का सब कुछ सही रहता है तो ऐसे में आप लोग जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और उसके बाद आप लोग का एक OTP आएगा। OTP आप लोग यहां पे डालना होगा और OTP डालने के बाद आप लोग को कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद जब आप लोग का सारा कुछ हो जाएगा फिर आप लोग को करना क्या है, फिर आप लोग का जो पूरा डिटेल है वो यहां पे शो कर देगा, जैसे कि आप लोग का पीएम किसान रजिस्ट्रेशन आईडी, नाम, फादर्स नेम, DOB, एड्रेस, ये सब जो है आप लोग का शो कर देगा।
फिर आप लोग वहां पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ए मैसेज डू यू विश टू सरेंडर योर पीएम किसान बेनिफिट, कुछ इस तरीके से आप लोग मैसेज शो करेगा कि क्या आप जो अपना पीएम किसान का बेनिफिट बंद करना चाहते हैं। तो यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन रहेगा, आपको यस पे क्लिक करना है, फिर से एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप लोग को डालना है और वहां पे जो आप लोग को सरेंडर कर देना है। सरेंडर करने के बाद दोस्तों एक जो सरेंडर सर्टिफिकेट आप लोग का जनरेट होगा, उस सर्टिफिकेट को आप लोग वहां पे डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके आप लोग को रख लेना है और बाकी जो है आप लोग वहां पे जो पीएम किसान का लाभ है वो आप लोग का बंद कर दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आप लोग को कोई नोटिस आता है या फिर जो है आप लोग का जिला स्तर से कोई यहाँ पे जो बोला जाता है कि आप यहाँ पे पैसा वापस कीजिए, तो वो सर्टिफिकेट दिखाकर आप बता सकते हैं कि हमारा जो लाभ है वहां पे बंद कर दिया गया। तो इस तरीके से आप अपना जो लाभ है उसको बंद कर सकते हैं और बिना कोई इंस्टॉलमेंट वापस किए आप यहाँ पे जो लाभ है उसको बंद कर पाइएगा। तो ये जो बड़ी अपडेट है पीएम किसान के सभी लाभार्थियों के लिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक के इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही साथ के इस वीडियो को ताकि और वीडियो को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।